In today's video, we'll be learning about image formation by convex lens. ठीक है, अच्छा convex lens की image ही screen में मिलेगी, क्यों? क्योंकि वो real होती है. अगर मैं concave lens लूँगा तो वो screen में obtain अपन नहीं कर सकते. तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन उसका practically possible नहीं. ठीक है, ये एक convex lens है. focal length कितना है इसका, देखो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. ठीक है, जितना छोटा फोकल लेंथ होगा उतना ही अच्छा लेंस है, उतना मोटा होगा ये फोकल लेंथ. कम फोकल लेंथ, हाँ फोकल लेंथ का मतलब रेज ऑफ लाइट को जल्दी कन्वर्ट करेगा, जल्दी कन्वर्ट करेगा मतलब पावर ज्यादा. ठीक है, तो मेरे को क्या क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट मेरा हो जाएगा ये कैंडल. ठीक सर, 10 सेंटीमीटर है. हाँ 10 सेंटीमीटर, तो अपना वो स्टैंड, ये स्टैंड है, यहाँ पे रख दिया लेंस. अब देखो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. यहाँ पे मैंने एक सेंटर पॉइंट बना लिया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, स्केल ले लिया. अब मुझे F1 F2 सब मार्क करना है. ठीक, देखो यहाँ, यहाँ से ये मैंने ले लिया इतना, ये कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट. अब हो गया, अपने पास ऑप्टिकल बेंच नहीं, अपन गरीब लोग हैं. अच्छा इधर भी ऐसे बना लो, ऐसे ऑप्टिकल बेंच आती है उसमें अच्छे से होता है. तो आप 12th में जब प्रैक्टिकल करोगे तो शायद आपको स्कूल वाले उस पर करवाएंगे. हाँ फिजिक्स लैब में खाली पड़ी रहती है, स्कूल वाले करवाते नहीं. बहुत बड़ी गलती है स्कूल वालों की, सब स्कूल वालों की. बस पैसा लेने को बोल दो. ठीक है, ये सब मैंने 10 सेंटीमीटर पे क्या कर दिया, मार्क कर दिया. लेंस को मैं कहाँ पे रखूंगा? ऑप्टिकल सेंटर पे. ठीक है, अभी छोटी स्क्रीन लेते हैं, अभी आ जाएगा. सबसे पहला क्या मतलब ऑब्जेक्ट इज दैट मैंने बहुत दिन से इसका यूज नहीं किया, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि मैं इसका यूज करूं. दिन छोटी बोल रहा है बस. चलो बंद करो लाइट, अब आ जाओ तुम लोग, आओ तुम आ जाओ वहीं. ये लो हुआ ना करना. ठीक है चलो ये हटा दो लेजर अभी. अच्छा लेजर से भी एक चीज आप देख सकते हो. चलो मैं लेजर से पहले दिखाता हूँ. लेजर कितने की है ये? गिफ्ट मिला पड़ेगा, खर्चा तो आपकी है. ऐसे करे यार, अरे ऐसे निकलेगी ना? ऐसे नहीं है भाई, ऐसे लाइट चला दो का ऊपर मारो, देखो कैसे बेंड होगी ये, पकड़ यार. रुको तो ऊपर से देखो हो रही है ना धीरे धीरे. ये देखो ये ऊपर जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पे. नीचे आराम से करो, पहले ऊपर सबसे ऊपर निकालो, देखो नीचे गई ना. हाँ फिर नीचे लेवल का सीधी निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर एकदम सीधी, फिर जैसे नीचे आ रहा फिर ऊपर जा रही है, देख रही है ना. तो ये लेंस लाइट को बेंड कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है चलो, ठीक है इससे बाद अभी एक ही लेजर है, जब दो आ जाएंगे तो अपन करेंगे. ठीक है बंद कर दो. अब सुनो, सबसे सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. अब चलो इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि मतलब सतना के पार चला है. जैसे इसका फोकल लेंथ 10 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20. तो 20 सेंटीमीटर के अगर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा इन्फिनिट. तो उठाओ मोमबत्ती, मोमबत्ती उठाओ, इधर रखो ऑब्जेक्ट, मोमबत्ती उठाए, हाँ वहां रखो स्क्रीन. आपको क्या पता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, लाइट ऑन कर दो. हाँ उठाओ उठाओ मोमबत्ती उठाओ, तुम लोग हटो हटो, देखो पंखा है बाहर, पकड़ो माही मोमबत्ती. अभी अभी नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मोमबत्ती पकड़ो माही. हाँ स्क्रीन स्क्रीन को रख दो फोकस पे. फोकस कहाँ है, दिख रहा है फोकस? ये फोकस है.
हाँ, अब पीछे कर, पीछे 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 नीचे और पीछे ले जाओ, नीचे करके हल्का पीछे और पीछे और पीछे, अरे पीछे नीचे नहीं, पीछे ले जाओ, एकदम पॉइंट इमेज मिलेगी। देखो छोटी हो रही है ना छोटी इमेज, बस अभी दरवाजा बंद होने वाला, मतलब दरवाजा बंद है। ये देखो एकदम पॉइंट इमेज मिल रही है, मिल गई। तो ये डिस्टेंस इसके लिए इनफाइनाइट हो गया, इतना डिस्टेंस। अभी कितना होगा हार्डली, यहाँ तक ये 20 हो गया, ये 40, ये 60, 60 70 डिस्टेंस इसके लिए क्या हो गया, इनफाइनाइट। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, इमेज इज फॉर्मड एट फोकस, इट इज रियल इनवर्टेड एंड पॉइंट। तुम इधर आ जाओ ना, बस रख दो, रुक जाओ। आपने इसको छिपक दिया, अरे से हटा दो, हाँ। अब आप इसको कहीं भी रख दो, हाँ हल्का यहाँ पे, ठीक है, ये लग दिया, ठीक है। अब स्क्रीन को रखो यहाँ पे, स्क्रीन को यहाँ रखो, बियॉन्ड इसके, अब धीरे धीरे पास लाओ, तुम उसको छोड़ दो, हाँ आराम से, आराम से। आ गई इमेज, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, देख लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, आ जाओ इधर, आ जाओ सब लोग, तुम भी आज, तुम भी करो ना, सब लोग करो, सबको मौका मिलेगा, सबका साथ सबका विकास। इधर आओ, देखो यहाँ पे कहाँ पर है, Beyond 2F1, छोड़ दो स्क्रीन ना, स्क्रीन छोड़ दो, स्टेबल है। अरे उल्टा करके, उल्टा करके, अरे उल्टा ऐसे, हाँ छोड़ दो, हाँ सर अगर लेंस उल्टा कर दे तो कुछ नहीं होगा, सेम ही है दोनों साइड, डबल कॉन्वेक्स है। तो देख लो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2F1, इमेज इज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2, इट इज, इधर देखो रियल इमेज कैसे दिखती है, देख लो, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज, ये होती है रियल इमेज जो स्क्रीन में आती है, वर्चुअल जो स्क्रीन में नहीं आती, जो तुम शीशे में देखते हो स्क्रीन में नहीं आएगा, ठीक। अब कहाँ ले जाएंगे, अरे हाँ सर, अब कहाँ ले आएंगे, हाँ उसको भी चलो ले जाओ माही, 2F1, अभी छोड़ दो उसको, छोड़ दो, हाँ। अब अपने को पता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, इमेज इज फॉर्मड एट 2F2, इट इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम, देख लो साइज बड़ा हो गया, आके देख लो इधर से जिसको देखना है, यस सर, अरे आ जाओ यार, तुम भी आ जाओ, साहिल तुम भी नहीं आ रहे, वाह वो वहीं से बताया पड़ा है, सर साइंटिस्ट लोगों को तो नहीं पता रहा होगा, उन्होंने जब इतना ऑब्जर्वेशन किया तभी पता रहा होगा ना, हाँ तो बिना किए कैसे पता चल जाएगा, टाइम लगा होगा, नहीं जितना टाइम अपने उतना टाइम उनको भी लगा। आप कहाँ ले आएंगे, अब कहाँ बनेगी, हाँ पहले ले जाओ, रख दो कहीं भी बीच में इनके, हाँ अब देखो उसको इमेज ब्लर हो गई, मतलब सही इमेज नहीं बनी, अब ले जाओ उसको पीछे धीरे धीरे, पीछे ले जाओ धीरे धीरे, अब सुन लो, सुन एक मिनट एक मिनट, अब ये ऐसा है कि इसके लिए, हाँ नहीं वो लग दो, थर्मोकोल लग दो, हटा दो उसको, थर्मोकोल कहाँ गया, हाँ इधर नहीं उधर, हाँ हटा दो उसको, हटा दो, अब ये हवा कौन फूंक कौन मार रहा है, और पीछे करो, और पीछे पीछे पीछे, यहाँ शार्प इमेज मिले, तुम खुद से देखो शार्प अपना समझ आएगी, इसको थोड़ा और ऊपर ठीक है। तो ये कौन सा केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड 2F2, इट इज रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर इन, इसलिए वो स्क्रीन क्या पड़ गई, छोटी पड़ गई। अब और पास लाओ एट F1, अब सुन एक मिनट जाओ, एक मिनट रुक, दिन में दो बार, अश्विनी यार, अश्विनी बूम हो गया यार, वेरी गुड, चलो अब देखो हल्का, नहीं नहीं हल्का, देखो बहुत बड़ी इमेज नहीं ना, और इतनी बड़ी इमेज है कि स्क्रीन में प्रॉपरली, सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्मड एट, और पीछे आओ, और तुम हट जाओ, तुम ऐसे साइड से रखो, हाँ यस सर, इमेज इज फॉर्मड, देखो दीवार पे भी इमेज बन रही है, और भी बड़ी बनेगी, देखो दीवार पे इमेज बन रही है, ये देखो दीवार पे इमेज बन रही है, हाँ तो और पीछे जाएगी ना, दीवार तोड़नी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया, अब लास्ट केस क्या है, बिटवीन F1 एंड, करो बिटवीन F1
आयुष्मान तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर यही। आप सुन लो, अब लगाओ वहाँ पे स्क्रीन, लगाओ स्क्रीन लगाओ, अब इमेज नहीं मिलेगी, तुम लगा के देख लो, कर लो आगे पीछे कर लो, अरे नहीं मिल रही है वो नहीं है। अब इधर से देखो, सब लोग इधर से देखो, नहीं वो तो नहीं, हाँ दिख रहा है यहाँ से बड़ा साइज, लेकिन कौन मिरर दिख चल देख लो एक बार आगे। अब इधर इमेज स्क्रीन नहीं बनेगी, इमेज बनेगी तो इस साइड से आप देखूंगा, इसको अपन स्क्रीन में ऑप्टेन नहीं करें, वही क्वेश्चन था बिगर साइज दिख रहा है ना। अच्छा हाँ, तो ये वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन साइज ऑफ, इसको अपन स्क्रीन में ऑप्टेन नहीं कर सकते। सो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं।